अपराधी बेखौफ होकर लूट, छिनैती और हत्या जैसी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस भी अपराधियों के धर पकड़ में जुट गई है। पुलिस ने अलग अलग मामलों में शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। बेगूसराय पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि नगर थाना क्षेत्र के वार्ड 41 विवेकानंद नगर में कुछ शातिर अपराधियों द्वारा बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही है, जिसके बाद घटना स्थल पर छापेमारी के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई। पुलिस ने देसी कट्टा और एक पिस्टल समेत चार अपराधियों को धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान गौरव कुमार, गुलशन कुमार, दीपक कुमार और शिवन प्रियदर्शी के रूप में हुई। एसपी अवकाश कुमार ने कहा कि पकड़े गए सभी अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। बेगूसराय पुलिस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। चेकिंग और उसके दौरान छापेमारी के दौरान में नगर थाना क्षेत्र में ही और चार अपराधी पकड़ाए हैं, जिनके पास से तीन हथियार और कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। उन सभी का पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है। कुछ लूट के केसेस में पहले से जेल जा चुके थे, अभी वर्तमान में जमानत पर मुक्त है। एक दूसरी जो महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, कल मुफस्सिल थाना क्षेत्र में हुई। एसटीएफ के द्वारा जो इंटेलिजेंस दिया गया था हम लोगों को, उसके आधार पर मुफस्सिल थाना और सिंगौल थाना के द्वारा संयुक्त छापेमारी करते हुए एक बड़ी घटना जो लूट की या संभवतः उसमें गोली भी चलाया जा सकता था उसके द्वारा किसी व्यवसायी के ऊपर, उसको होने से रोका गया। उसमें जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार किया गया और उनके पास से भी हथियार और गोलियां बरामद हुई। वहीं दूसरे मामले में एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नागदह से कुख्यात अपराधी मिथिलेश कुमार को अपने दो साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मिथिलेश कुमार के पास से पुलिस ने तीन पिस्तौल और दो कारतूस बरामद किए। बेगूसराय पुलिस के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। इसमें टाउन थाना क्षेत्र में कुछ दिनों पहले एक कालिस्तान चौक पर फायरिंग कुछ अपराधियों के द्वारा की गई थी, उसमें जो अभियुक्त है प्रिंसिपल मटियानी थाना क्षेत्र का रहने वाला, उसकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी से पहले मिथिलेश कुमार के द्वारा पुलिस पर गोली चलाने का भी प्रयास किया गया था, लेकिन पुलिस की होशियारी की वजह से मिथिलेश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार मिथिलेश कुमार किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था और इससे पहले ही उसकी गिरफ्तारी हो गई। फिलहाल पुलिस ने सभी शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और भागे गए बाकी साथियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बेगूसराय से संतोष प्रसाद की रिपोर्ट।